इस पार्क का जो उद्देश्य है वो ये है, जो बंदा बाहर के देश नहीं घूम सकता या जो जिसने सात अजूबे ना देखे हो ना, वो यहाँ आए, राजस्थान में आए, कोटा में आए और यहाँ आके सेवन वंडर पार्क में घूमे और ये सारे सारे अजूबे एक साथ देख ले। चमगादड़ देखो कितना बड़ा है, कितने सारे हैं वो देखो वहां से। घूम फिर के वापस आ गए अपनी गाड़ी के पास, अब चल रहे हैं हम सेवन वंडर पार्क, लेट्स गो। भाई अगर सामने आपको दिख रहा हूँ ना तो वो जग मंदिर था, और आप लेफ्ट से या राइट से कहीं से भी आओगे तो ये घूम के इस वाली पार्किंग पे आ जाना। यहाँ से एंट्री है, 20 रुपए की टिकट है गाड़ी की, वहाँ गाड़ी पार्क कर दी है, बहुत बड़ी पार्किंग है ये, कुछ एंट्री है और टू व्हीलर की 5 या 10 रुपए की होगी। ठीक है अंदर चलते हैं, क्या सीन है देखते हैं। एक काउंटर है यहाँ पर भी, आपकी 10-10 रुपए की टिकट लगेगी, बड़े की 10 की और बच्चे की 5 रुपए की, यहाँ से ले लेना। एंट्री कर ली हमने सेवन वंडर पार्क में, जैसा कि आप देख के समझ ही गए होंगे इसे सेवन वंडर क्यों कहते हैं। तो आओ आपको एक एक करके सारे के सारे नए जो अजूबे 7 अजूबे हैं वो दिखाता हूँ और उनके बारे में बताते हैं कहाँ की क्या चीज़ है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले अजूबे से, जिसका नाम है कोलिजम और जो कि सेंटर ऑफ द सिटी रोम इटली के अंदर पाया जाता है, जो कि है ये भाई, बेहद ही खूबसूरत है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, पॉज करके आप में पढ़ लेना। ठीक है पहला अजूबा हो गया, अब चलते हैं दूसरे की तरफ। भाई आपका दूसरा अजूबा मिस्र का विशाल पिरामिड, पॉज करके पढ़ लेना इसके बारे में। ठीक है ये है गीजा शहर में, ये लो देखो भाई रियलिटी में खतरनाक है। और अगर आप लोगों को फोटो भी खिंचवानी है ना तो वो वहाँ एक छोटे छोटे पॉइंट बना रखे, वहाँ आराम से खड़े हो और इसको ऐसी चोटी पकड़ते हैं इसकी फोटो खिंचवा लो। ठीक है चलो भाई अब चलते हैं तीसरे अजूबे के पास। भाई जितने भी अजूबे हैं उनके अगल बगल में एक तो ग्रीन घास है, बीच में ये पेडेस्ट्रियन पैदल चलने का, साइड में अगल बगल में बैठने का, और अगर बगल में देखोगे ना ध्यान से तो आपको जग मंदिर पूरा दिख जाएगा और पूरी लेक अगल बगल में। भाई जिसने ताजमहल नहीं देखा वो उसको दिखा देता हूँ, और ये तीसरा अजूबा है अपने इधर का, ये रहा ताजमहल। और भाई बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा लग रहा है जैसे आगरा वाला है ना, और मैं कभी आगरा गया नहीं हूँ बट इसको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, आई लाइक इट। भाई और भी ये तीन तो मैंने तुम्हें दिखा दिया, बच्चे 4 का ना कमेंट बॉक्स में जल्दी नाम बता दो मुझे किस किस को पता, मैं देखता हूँ। ये पुल कोई अजूबा तो नहीं है लेकिन अजूबे से कम भी नहीं है एक तो लोहे के थे फट्टे, लोहे के थे ये एंगल लगा रखे, बीच में लकड़ी के फट्टे हैं भाई, और अगल बगल फुल जग मंदिर वाले, जो ये लेक है, जो ये लेक है ना इसका पूरा नजारा दिखता है अगल बगल से। और सामने एक डबल डेकर बोट है जिसमें आप सवारी भी कर सकते हो, और भाई नाइट में जो मजा आएगा ना जग मंदिर देखने के आस पास वगैरह ना, मजेदार एकदम। यहाँ सामने ना फूड वैन मतलब फूड बोट है एक तरीके से, बेसिकली ये जगह है ना ये कुछ भी नहीं, नथिंग ऐसे खाम खाम हवाबाजी। चलो अजूबे की तरफ चलते अपने। ये चौथा अजूबा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि कहाँ पर है भाई, कहाँ पर है, अमेरिका में, और अब फिलहाल में राजस्थान में, ये लो उठा लाए भाई अमेरिका से, और यहाँ आने के बाद इन्हें गंदा भी कर दिया भाई बस लग रहा, लेकिन कुछ भी हो जो चीज़ बाहर नहीं देखी ना वो राजस्थान तुम्हें यही दिखा देगा अपने घर पे। ये है आपका पांचवा लीनिंग टावर ऑफ पीसा, पांचवा अजूबा, झुकी हुई मीनार, लो देख लो भाई वो आ वेरी ब्यूटीफुल यार, और ये सही में साइड से झुकी हुई है, थोड़ा सा दूर से दिखा दो। ये आपका चट्टू कह रहा हूँ, चट्टा अजूबा, आईफिल टावर, आईफिल तो नहीं एफिल टावर है, जो कि कहां पर है भाई, कहां पर है, पेरिस में, पढ़ लेना तुम आराम से रोक के। ठीक है अब तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो कितना मस्त है यार, ओ तेरी।
लो तो भाई ये अब फाइनल और सातवां जूब आपका क्राइस्ट द रिडीमर, और जिसको नहीं पता वो इसको पढ़ लेना पॉज करके, और अगर हिंदी में पढ़ना हो तो ये पढ़ लेना, ये ईसाई स्मारक है एक तरीके से, ठीक है। और ये है सातवां जूब आपका भाई। सही बताओ ना तो सारे के सारे देख के मजा है, और एक रियलिटी बताऊं तो अब लाइट भी जल चुकी है और शाम को देखने का जो मजा है ना वो अलग नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल। इसके बाद अगर आपको भूख लगे कुछ खाना वाना हो ना तो वहाँ जाके आराम से बैठ के मस्त खाना वाना खा सकते हो, खाने की शॉप है वहाँ पर, और यहाँ पर बैठने बैठने की जगह है। सारे के सारे चमगादड़ अभी फ्री हुए महलों से। इस पार्क का जो उद्देश्य है वो ये है, जो बंदा बाहर के देश नहीं घूम सकता या जो जिसने सात अजूबे ना देखे हो ना वो यहाँ आए, राजस्थान में आए, कोटा में आए, और यहाँ आके सेवन वंडर पार्क में घूमे और ये सारे के सारे अजूबे एक साथ देख ले। आजी।